नींद आ रही है। सोच लो यहाँ पे स्ट्रीमिंग तो चालू हो गई है। गेम साउंड कम कर दे इतना भी लो मत हो रहे भाई। भाई 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 सो चलो पहले शील्ड मोड डाल के सब कुछ पहले काम कर दे। लाइक आईडी फॉलो करना है, आईडी फॉलो कर दे दे। शेयर द स्ट्रीम लिंक, तो स्ट्रीमिंग भी शेयर कर देंगे। ए भाई यहाँ भी रहा, पहले सबसे पहले ऐड कर ले सिंपली TSH वर्सेस सो योर DSH कैप्टन आईडी इज मिसिंग बट ही इज ऑनलाइन राइट नाउ, तो पहले उसको मैं ऐड कर दूँ। फॉलोड इसको डाल दिया, फॉलोड योर आईडी। जब तक TSH के कैप्टन की आइडिया थी, जब तक मैं दूसरा काम निपटा के अपनी लाइफ की स्ट्रीमिंग शेयर कर दूँ टू ऑल ग्रुप्स ऑफ ईस्ट। ये क्या हो रहा भाई, काहे रे यार मेरी और वीडियोस। सब्सक्रिप्शन रे हिस्टोरी नहीं, अरे रे मैं रिसेंटली लाइक्स में मेरा ये देखें नहीं डेटा नहीं आ ये टाइम। सो यहाँ से लाइव की वीडियो लिंक शेयर, सो स्पोर्ट्स के ग्रुप में तो सब में पहले शेयर ही करना है। ये VDMI नहीं कोर ग्रुप 3 स्पोर्ट्स और फिर उसके बाद और भी शेयर करना बचा है स्पोर्ट्स। चलो ठीक है, सो शेयरिंग इज बीन डन। TSH विल बी वेटिंग इन गेम। ओके ब्रो आई एम कमिंग इन गेम। मियोंग इसको मैंने फॉलो किया हुआ है। चलो आ जाओ, ये शील्ड मोड हटा दूँ। हाय मेरा फ्रेंड, नो ब्रो आई कांट, नो ब्रो आई कांट, स्ट्रीमिंग टाइम गाइस, स्ट्रीमिंग टाइम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मैच है क्या नहीं, बुक हुई है क्या नहीं। शोइंग ऑफलाइन, सो लेट अस से टू काय 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 शोइंग ऑफलाइन। अरे भाई स्ट्रीमिंग टाइम ब्रो, स्ट्रीमिंग टाइम, नो नो रैंक नो गुड। लॉबी में चला जा रहा हूँ मैं और फिर वो दूसरा वाला बंदा खा रहे। चलो उसके आईडी फॉर
ये बंदे ने अभी तक फॉलो बैक ही नहीं डाला, ऑनलाइन है लेकिन अभी तक फॉलो बैक नहीं डाला। चलो ये वाला कैप्टन तो आया है ऑनलाइन। सो ए भाई प्रतीक को मुद्दा प्रतीक मता मी ऑंग वन TSH के कैप्टन जो है, अब इसको भी क्या हो गया। हाँ याद आ गया, सीजन वो हुआ इसके लिए सब लोग इसमें। RRQ के कैप्टन CFT आ चुके हैं लॉबी में। लेट्स गो टू मी ऑंग जो भी है TSH के कैप्टन। RRQ हेज कम ब्रो, काय कम। ये बंदा ऑनलाइन बैठ के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब हद होती है यार। सो दोनों टीम ने अच्छा रिस्पॉन्स करी मेरे को 10 मिनट पहले ही ग्रुप में। मैं तो एक्टिव भी नहीं था, 10 मिनट पहले ही जो है ग्रुप में मैसेज डाल दिए स्ट्रीमिंग ब्रो। तो चलो दोनों कैप्टन्स तो आ गए हैं और यहाँ पे TSH की टीम भी रेडी है और RRQ की टीम भी रेडी है। तो ये जो ऊपर है उनको उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि नीचे आ जाओ। TSH ओ ब्रो, TSH के फॉलोअर्स भी आ चुके हैं। माँ कसम 4 व्यूज हो गए मेरे को तो अभी मालूम पड़ा यार, मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया। डॉन कम डाउन लॉल डॉन भाई। तो चलो माइक ओपन करते हैं। okay. लैग कैसे ब्रो, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल यार। वाईफाई में मेरी स्पीड भी अच्छी खासी खींच रहा है। सो चलो रेडी गाइस, बट स्ट्रीम लैग ब्रो कैन यू चेक विथ योर नेटवर्क। एक्चुअली मेरा नेटवर्क तो सही है यहाँ से। Why we ban? Mythical glory के बंदे लोग लगते हैं। Why we ban? चलो मजा आएगी। Anyway, why we जो हो गया RRQ की तरफ से बैन, TSH की तरफ से बैन, why ban? 0 views. Stream lagging. Volcano gaming. हाय ब्रो वेलकम गाइस, अगर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो और अपनी टीम का नाम स्पैम कर दो यार कमेंट सेक्शन में। सो लुवो YB बैन हुई है, मेज हेटर प्लस वर्सेस फाइटर हेटर। वेलकम गेमिंग हाय ब्रो। सो वेलकम, कौन सी टीम को सपोर्ट कर दो, ब्लू RRQ या रेड TSH, वो भी बता दो भाई। ड्रॉ हेड फर्स्ट पीक, अभी मेटा में नहीं चल रहा है। देन टू ओ मेटा टैंक, सभी आर स्ट्रीम में कहा हो
भाई मेरे को खुद को नहीं पता कि स्ट्रीम में कौन है कौन नहीं। सो TSH के फॉलोअर्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, या RRQ के फॉलोअर्स कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, दोनों में से कुछ तो बात है। चांगे सो TSH का हाइपर जब जाएगा ओमेगा विद ग्रैंगर TSH फॉरएवर। सो TSH के कैप्टन भी आ गए नियोंग, एनी कुछ भी नाम हो ब्रो, सॉरी थोड़ा सी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए या प्रोनाउंसिएशन के लिए। सो कैप्टन साहब अपनी टीम को देख के खुश हो रहे होंगे क्योंकि ग्रैंगर पिक मिल चुकी है और ग्रैंगर निकलता कौन जीतता है। इट्स ओके ब्रो, थैंक्स फॉर फॉरगिविंग ब्रो। आज हमारे वो भाई नहीं आया यार, क्या नाम था उनका, हमारे लवर भाई, नाम नहीं पता बट आए नहीं, आते अच्छा खासा सपोर्ट वो भी लेके जाते, नाम भूल गया, याद आएगा तो बताएगा ज़रूर आप लोगों को भी। ये मेरा ओमेगा का इशू है क्या, क्या इशू है, मेरे को यहाँ पे 0 व्यूज़ दिखा रहा है कि जीरो, एक भी बंदा व्यू नहीं कर रहा। सो ओमेगा का इशू है क्या, क्या इशू है मेरे को अभी तक नहीं पता। कागुरा सो पिकिंग तो कड़क हो गई है, रेड टीम के पास ऑलमोस्ट मेटा हीरोज प्लस ब्लू टीम के पास भी ऑलमोस्ट मेटा हीरोज है। अभी यहाँ पे क्लॉड और हायाबुसा दोनों में से देखते हैं कौन हाइपर जाएगा कौन करेगा साइड लेन और एल्डर्स लेने की पिक। हाय बे, हाय ब्रो, हाय ब्रो, हम देख रहा है, ओके ब्रो ऐसी सपोर्ट करते लोग। सो एल्डर्स हाइपर प्लस वर्सेस ग्रैंगर हाइपर, देखते हैं गुण जीतता है। ओ माशा, सो TSH का पुशिंग करने का प्लान है या लाइफ स्टील रूबी। सो RRQ की तरफ से खेले गए टैंक डिगी वर्सेस टाइग्रियल ओमेगा, जो कि सोच रहे हैं हाइपर जाने के लिए बट अभी फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कौन हाइपर जा रहा है कौन नहीं। स्ट्रॉन्ग टीम बहुत है स्ट्रॉन्ग ब्रो, देखना है कौन जीतता है। सो RRQ की तरफ से कैप्टन हाइपर जा चुके हैं और ओमेगा जो XO कुछ क्या है नाम है, सो वो हाइपर है ग्रैंगर हाइपर वर्सेस एल्डर्स हाइपर। सो कोची, एक कोची का टैग है नागालैंड नंबर 9 रूपी कोची 21 मार्टिस ओपी दिस टीम वी वन इन लास्ट मैच। ओ ब्रो सो यू गाइस हैव हैड अ मैच बिफोर, सोचो तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, थोड़ा सी मेरी स्ट्रीम में कुछ इशू दिखा तो भाई बता देना क्योंकि मुझे यहाँ से मालूम नहीं होता। पॉस सो स्टार्ट में पॉस का कॉल आ चुका है हायाबुसा और चांगी की तरफ से, मीन्स कुछ ना कुछ इशू है, क्या गड़बड़ है देखते हैं इसका टीम में प्लेयर कम है, ले लो मैं टैंक एंड फाइटर। सो वॉल्केनो गेमिंग तुम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा सोलो बैच के भी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, सो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है तो। आफ्टर डी स्ट्रीम में तुम लोग को सब बताता हूँ कैसा नॉर्मल रजिस्टर करना है और कैसा सब क्या करना है। या अगेन को इंसिडेंट है मैन सेम टीम इन सेम मैच। लेट्स सी हु विंस, दोनों टीम अच्छी है, रेड टीम की तरफ से TSH और ग्रीन टीम की तरफ से RRQ। एल्डर्स हाइपर वर्सेस ग्रैंगर हाइपर, देखते हैं कौन कैरी करके जीत के जाता है। सो चलो एक मिनट से ज़्यादा हो गया एक्चुअली बातचीत में। किसी का कुछ लैग तो नहीं लग रहा ब्रो, योर गेम सॉफ्ट गेम
ब्रो यार सॉफ्टली, वी आर नॉट हियरिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। ओके ब्रो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल रीसेट माय गेम वॉल्यूम। और यहाँ पे टाइटल ने साउंड, नाउ कैन यू हियर मी गाइस? एक्चुअली बहुत टाइम बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। और टाइटल ने बहुत ही अच्छी तरीके से एल्डर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। ओके अभी मैंने चेंज किया हूँ, अगर इशू दिखा रहा है तो वापस से मतलब बता दो, सो मैं पूरी बंद कर देता हूँ। अभी भी इशू आ रहा है। सो फर्स्ट ब्लड हाया भूसा का ले चुके हैं रूपी की तरफ से, लेकिन कागुरा ने वो मारी थी, माई मिस्टेक। सो फर्स्ट ब्लड हो गया है, नो इट्स ओके। ओके ब्रो कुछ इशू लगता है स्ट्रीमिंग में तो बता सकते हो आप लोग, स्ट्रीमिंग में स्ट्रीमर्स में कहीं पे भी कुछ भी इशू लगता है, सो यू गाइस कैन से मी, व्यू ग्रो हो रहा है मींस ब्रो समझाने, व्यू ग्रो हो रहा है इन द सेंस, ओ व्यू ग्रो हो रहा है, सॉरी ब्रो अभी समझा मैं, व्यूज ग्रो हो रहे हैं। हाँ ब्रो एक्चुअली गुड लक गाइस। सो तान ओमेजी की तरफ से गुड लक गाइस आ चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं पता कि किसे बोले, आर आर क्यू को, योर वॉइस इज क्यूट थ्रू, थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर कमेंटिंग ब्रो। एक्चुअली मेरी वॉइस के ऊपर हर कोई हंसी मजाक उड़ाता है, तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसने जो है मेरी वॉइस को क्यूट बोला है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डालूंगा। गो आर आर क्यू सलीश शर्मा, गो आर आर क्यू। TSH की तरफ से फर्स्ट ब्लड होता हुआ और यहाँ पे वापस से डिस्टर्ब करने आ चुके हैं टाइगर, और टाइगर ने कर दिया है डिस्टर्ब वापस से, मतलब एल्डर्स को तो बोलेंगे कि नहीं भाई हम आपको फार्म करने नहीं देते, जाओ पूरा फार्म हमारा। और टाइगर को बफ तो मिल चुका है, लेकिन टाइगर को अपना खून देना पड़ेगा, लेकिन टाइगर के खून के साथ मिल चुका है यहाँ पे एल्डर्स का भी खून, जो कि है हाइपर ऑफ द ब्लू टीम। आर आर क्यू की तरफ से हाइपर का एक ब्लड हो चुका है। यहाँ पे शायद हायाबुसा अपनी अल्ट के लिए गए थे, बट अल्ट चली नहीं थी प्रॉपर टाइम पे, और अभी चली और डिगी को, डिगी का खात्मा, और यहाँ पे शायद 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 बचा लिया है एल्डर्स से हमारे टाइग्रियल ने, ग्रैंगर को बचा लिया है बहुत ही अच्छे से। और उप्स 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 बॉट में थोड़ा सी हो गई थी फाइट, दिक्कत हो गई है थोड़ा सी जॉ हेड के लिए, मार्टिस ने बना चुके हैं, और टाइग्रियल बहुत ही एग्रेसिव गेम प्ले के साथ घुस चुके थे, और यहाँ पे उसी के साथ साथ ले लिया है चांगे का भी किल, मतलब किल सिक्योरिंग में तो 6-2 का स्कोर बोर्ड है, बट और फार्मिंग का 2000 का डिफरेंस आ चुका है इन स्टार्ट गेम विद इन 3 मिनट्स 6 किल्स। ओपी गाइस वेल गोइंग ब्रो। एक्चुअली मेरी स्ट्रीम पे एक ही मैच बुक हुआ था, एक्चुअली मेरे लेट स्लॉट्स है सो कोई भी बुक नहीं करता, और मैं अर्ली स्लॉट्स मींस आई कांट, क्योंकि मेरे को दूसरे काम भी रहते सो अर्ली स्लॉट्स डाल नहीं सकता। लेट स्लॉट्स के लिए अभी तक टीम उतनी है नहीं, पहले आती थी टीम, बट अभी लेट स्लॉट्स के लिए टीम नहीं है जो कि लेट स्लॉट्स है। देन टू अभी है पूरी वीक का स्लॉट डाल के रखा हूँ मैंने अभी। और यहाँ पे टटल इजीली सिक्योर किया जाएगा ओमेगा, ग्रैंगर और TSH की तरफ से, और यहाँ पे डिगी की बहुत ही बेहतरीन अल्ट, लेकिन फिर भी डिगी को अपना खून देना पड़ेगा, और यहाँ पे जाएंगे चांगे के लिए, लेकिन चांगे को कुछ नहीं कर पाएंगे। और टाइगर ने बहुत ही अच्छा घसीटा है जॉ हेड को, और जॉ हेड का भी ब्लड सिक्योर मींस पूरा दबाव बना के खेल रहे हैं TSH, जैसे कि पूरा बेस उनका है, खरीद के रखे है पूरा बेस TSH वाले लोग ने। भाई हमें भी बता देना TSH वालों के कहाँ से खरीदे, हम भी खरीद लेके रैंक मैचेस में बेस। और यहाँ पे शायद 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 बच चुके हैं एल्डर्स, मैं सोचा कि चले जाएंगे एल्डर्स, लेकिन बच चुके हैं एल्डर्स को मारने के लिए गए थे ग्रैंगर, लेकिन चांगे आ गए बीच में, इसके लिए एल्डर्स ग्रैंगर को बैक होना पड़ा।
एज पर मी लोग डिगी टैंक करके डिगी टैंक भी कर सकते थे, और डिगी टैंक ही शायद, हाँ डिगी टैंक ही है। गुड गेम। एनीवे अभी तक के तो TSH बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, बट लेट गेम का बोल नहीं सकते क्योंकि ले एल्डर्स का एक बार स्टैक अप हो जाए फिर उसके बाद दो वन हिट बचेंगे। और यहाँ पे रूबी को पकड़ा जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एल्डर्स ने बैक कर लिया है और शायद वापस से बफ के ऊपर आएंगे हमारे टाइग्रियल भाई। और बफ के ऊपर आए, बफ को बाहर भगाए, अल्टी पकड़े और एक किल सिक्योर होगा डिगी का। नहीं, डिगी का किल सिक्योर नहीं हुआ, लेकिन ग्रैंगर मर चुके हैं, टाइग्रियल भी मरने की हालत में हैं, लेकिन बैक हो गए बच के भागने में कामयाब। लेकिन यहाँ पे किल सिक्योर हो जाएगा चांगे का, जो कि टाइग्रियल को मिल गया है। हाँ हाँ हाँ, TSH मेंबर नोटिस लीडर इज सिक्किम। और यहाँ पे मार्टिस घुसे, मार्टिस शायद 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 एल्डर्स का किल सिक्योर। एल्डर्स मर चुके हैं 3 बार और 1 बार सहायता कर चुके हैं, मतलब असिस्ट कर चुके हैं। और हायाबुसा बहुत ही शानदारी से एकदम सेफ गेम रख के खेल रहे हैं कि टरेट नहीं देना है, किल लेना है, चुपके से फार्म करना है बस। हायाबुसा एंडिंग में टरेट चुरा सकता है, किल के लिए एल्डर्स है और टर्टल के लिए फाइट होगी क्या यहाँ पे? क्यू के लिए डिगी। और यहाँ पे ब्लू टीम के 4 बंदे और पीछे से मार्टिस आ चुके हैं, लेकिन टर्टल चुराने में कामयाब हो गए हैं ग्रैंगर, लेकिन ग्रैंगर को शायद मारा जाएगा। और यहाँ पे ग्रैंगर भी बच चुके हैं, लेकिन हायाबुसा यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। रूबी की तरफ से हायाबुसा का किल सिक्योर होगा और डीगी का भी किल सिक्योर हो चुका है टर्टल के चक्कर में। दैट इज फॉर कास्टर। ओके ब्रो, आई विल जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे एल्डर्स को देख लेता हूँ, फिर उसके बाद शोर मैं तुमने जो इन्फो दिया है वो देखता हूँ। और यहाँ पे टाइग्रियल तो गए थे अंदर, लेकिन बच चुके हैं। ओके हाँ हाँ, TSH नॉट इज एंड्रेस और नागास ऐसा मिस ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट रीजन। या ब्रो, डिफरेंट रीजन तो है, बट देन टू RRQB इज़ अ गुड टीम, पिक सही हुई है, बट RRQ में स्टार्ट गेम के लिए कोई भी नहीं है। लेट गेम होगा तो शायद TSH को दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, इसीलिए जल्द से जल्द ख़त्म करें तो THS का बेनिफिट रहेगा। लेकिन टाइग्रियल जो है बहुत ही शानदारी से कि नहीं, एल्डर्स को जल्दी स्टैकअप करने कुछ भी नहीं देंगे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी अल्ट, लेकिन उसी के साथ साथ डिगी ने भी अल्ट दे चुके हैं और बच के भागने में कामयाब डिगी। खाना पीना कर रहे हमारे दोनों हाइपर्स। टाइग्रियल लो माना रिट्रीट बोल के भाग रहे, एल्डर्स पावर माँ अजय बस। एल्डर्स के एक बार स्टैकअप होते हैं ना भाई तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे शायद पकड़ा जाएगा रूबी को, लेकिन रूबी की बहुत ही बढ़िया लाइफ स्टील और कागुरा भी आ चुके हैं पीछे से। कागुरा की अल्ट, जॉ हेड का किल और साथ साथ में शायद डबल किल। और यहाँ पे डिग्गी का भी किल जो कि ग्रैंगर को मिल गया है, और कागुरा ने इजीली डबल किल सिक्योर करके। और यहाँ पे शायद 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 घुस चुके थे टाइग्रियल, लेकिन उनको ध्यान नहीं, पीछे से कुछ सपोर्ट। और यहाँ पे टॉप का भी टरेट पुश करेंगे ग्रैंगर जो कि खेल रहे हैं हाइपर। और यहाँ पे शायद पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ग्रैंगर को पकड़ने के लिए हायाबुसा आए तो थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। और एल्डर्स ने मार्क कर लिया है कागुरा को, लेकिन बोलेगी छोड़ो जाने दो, पूरी टीम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अकेला। ओमेगा ओपी। या ब्रो, राइट नाउ ही इज ओनली द ओपीएस्ट पर्सन इन द गेम, 5 किल के साथ है। ओके बाय ब्रो, गुड नाइट। ओके ब्रो, विल सी यू टुमारो इन नेक्स्ट स्ट्रीम। चांगे की अल्टी, लेकिन बच चुके हैं वापस से क्योंकि फार्मिंग नहीं है रेड टीम की। अबाउट 5000 का फार्मिंग डिफरेंस हो गया है, वापस से आ गए हैं परेशान करने एल्डर्स को। एल्डर्स को शायद टाइग्रियल ने बोल के रखे कि नहीं भाई छोड़, रहने दे, तू बफ मत ले, बफ लेने का काम, अगर तू बफ लेने जाएगा तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई।
और चांगे बच चुके हैं पहली एबिलिटी से जो कि है ग्रैंकर, जो कि ग्रैंकर की थी। सेकेंड एबिलिटी मार के आए थे बट फिर भी नहीं बच। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पुल था रूबी का, लेकिन फ्लिकर मार के बच के भागने में कामयाब हो जाएंगे हमारे जॉ भैया। पुश करने की ट्राई करे कि शायद हायाबुसा टॉप लेन से, लेकिन शायद देख लिया है हायाबुसा को छुपते हुए, हमारी टीम ने नहीं देखा, नहीं देखा अभी तक। लेकिन टाइगर भैया के सामने छोटा सी सितारा आ रहा है, गुड स्ट्रीमर, आगे जाकर बड़ा स्ट्रीमर बनो ब्रो, लव यू, थैंक यू ब्रो, खाली बस तुम लोग सपोर्ट करो भाई। मार्टिस को पकड़ा जाएगा शायद, लेकिन मिड में जो है टीम फाइट शुरू हो चुकी है, मार्टिस को पकड़ा जाएगा, जॉ हेड ने तो पकड़ लिया है, पीछे से एल्डर्स भी आ चुके हैं, लेकिन मार्टिस ने जॉ हेड का किल सिक्योर करके भाग बच के भागने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी मार्टिस को कौन बचाएगा, और मार्टिस का किल सिक्योर, लेकिन कागुरा आ चुके थे और हायाबुसा को मारने की कोशिश थी, लेकिन हायाबुसा बच गए थे अल्ट से उनकी, लेकिन अल्ट जो है ज़्यादा समय तक साथ नहीं दी। और यहाँ पे हाइपर वर्सेस हाइपर हो रही थी जो कि डोमिनेट कर लिया था ग्रैंगर ने विद हाई फार्मिंग। सो ग्रैंगर को शायद पकड़ा जाएगा, पूरी टीम एक साथ आ चुके हैं ग्रैंगर को सपोर्ट देने के लिए, इसीलिए ग्रैंगर बच के भागने में कामयाब, और एल्डर्स को अपनी अल्ट रास्ते में ही रोकना पड़ा था। ओपी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा पुल किया गया था टाइगरल की तरफ से और रूबी की तरफ से, बट डैमेज डीलर नहीं थे इतने खास, तो इसीलिए जो है डीगी बच के भागने में कामयाब हो गए थे। और यहाँ पे शायद पकड़ा जाएगा कागुरा को, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कागुरा का तो नहीं पता, लेकिन डीगी को पकड़ा जाएगा, लेकिन डीगी भी नहीं मरेगी इतना आसानी से। और थोड़ी सी गलत अल्ट टाइगरल की तरफ से, और शायद टाइगरल का किल सिक्योर किया जाएगा, रूबी जो है रूबी को तो भागने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे एक किल तो सिक्योर हो गया है, लेकिन चांगे का भी किल सिक्योर कर लिया है ग्रैंगर ने, चांगे और डिगी का किल सिक्योर हो गया है, मार्टिस ने जो है डिगी का किल सिक्योर कर लिया, मीन्स एक किल के बदले दो किल दे चुके हैं हमारे ब्लू टीम हाया प्लेइंग। हाया प्लेइंग और यहाँ पे इन्वेट करने के चक्कर में, और इन्वेट करके भागने में हो चुके हैं एल्डर्स कामयाब। एल्डर्स सिर्फ स्टैकअप करने पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं भाई सिर्फ स्टैकअप करने का अभी के लिए, तो फिर बाद में बात का बाद में अपन लोग देखेंगे। और यहाँ पे पकड़ ली थी अल्ट, अल्ट ये सब वेस्ट करने के बाद आ चुके हैं, और पकड़ा गया ग्रैंगर को, लेकिन ग्रैंगर बच के भागने में कामयाब, और मार्टिस को पकड़ा जाएगा, मार्टिस सेकंड एबिलिटी मार के सबस्टेंस से बच छुटकारा लेके भाग रहे हैं पीछे की तरफ। 13 मिनट हो चुके हैं, लॉर्ड का कुछ भी चिल पुकार नहीं हुआ अभी तक, लॉर्ड जैसे कि है ही नहीं गेम में अभी तक, तो देखते हैं लॉर्ड जिसका गेम उसका, क्योंकि ले दोनों टीम की तरफ से अच्छा खासा पुश हो गया, जो कि हायाबुसा ने भी पुश करे, और फिर TSH तो पुश कर ही रहे हैं। बॉर्ड में शायद वापस से होगा घमासान लड़ाई, जो कि डिग्गी को मारा जाएगा, घमासान लड़ाई में डिग्गी को मारा गया है और एल्डर्स को पकड़ा गया है, और मर चुके हैं हमारा एक और एक किल सिक्योर हो चुका है। एल्डर्स हवा लो चली गा के जाते गए, और एल्डर्स ने किल सिक्योर कर लिया, लेकिन एल्डर्स को बचाने के लिए अब शायद कोई नहीं बचेगा, जो कि एल्डर्स की भी मौत यहाँ पे फिक्स है। और चांगे आए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन चांगे और हायाबुसा, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि लिए एल्डर्स बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुके थे, लेकिन चांगे ने अपनी अल्ट मार के इन्वेट कर चुके हैं बफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लॉर्ड की तरफ भाग चुके हैं RRQ की टीम, जो कि TSH को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सो RRQ की टीम जो है कमबैक मारने की फुल फिराग में है, और चांगे ने अपनी अल्ट से एक बार फिर लॉर्ड को भी चुरा लिया है, और रूबी को भी मार दिया है। रूबी को बोला कि भाई तूने बहुत ज़्यादा खेल लिए, तो चलो शमशान।
शमशान पहुंचा दिया है रूबी को। एल्डर्स जो है ग्रैंगर को मार्क करके उड़ते हुए हवा में आ रहे हैं, लेकिन बीच में रुक गए एल्डर्स, मतलब लिफ्ट ले रहे थे हवा की। और हायाबुसा जा सफ़र तय कर लिए लॉर्ड के साथ। लॉर्ड के गोद में बैठ के हायाबुसा भी जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि पांचों फील्डर जो है रेड टीम के, एक्चुअली चार फील्डर वहीं पे है। और घास में छुपे हुई है हमारी कागुरा, जो कि पीछे से जाएगी हायाबुसा को ख़त्म करेगी। और लेकिन हायाबुसा भी बहुत दिमाग वाले थे, मिड और बॉट पुश होगा, बॉट पे टाइगरल ने पकड़ा है जॉय हेड को, लेकिन फिर भी बेनिफिट इतना खास नहीं मिलेगा, टरेट डैमेज था वहाँ पे, लेकिन फिर भी, लेकिन जॉय हेड और हायाबुसा को शायद अब अपना किल देना पड़ेगा। जॉय हेड का किल हो चुका है, हायाबुसा भी पेंडिंग में है, हायाबुसा अल्ट के वजह से बच चुके हैं, और मार्टिस का किल सिक्योर हो सकता है, लेकिन एल्डर्स ने टाइगरल का किल सिक्योर करके भाग चुके हैं मार्टिस की तरफ, मार्टिस का किल भी सिक्योर। और अब एल्डर्स आएंगे ग्रैंगर की ओर, और ग्रैंगर का किल जो है, एल्डर्स आए थे ग्रैंगर की ओर, लेकिन ग्रैंगर का किल सिक्योर कर चुके हैं हमारे हायाबुसा ने। रूबी अकेला पेंडिंग में है, 3 vs 1, रूबी हैव टू डिफेंड हिज बेस फॉर हिज टीम फॉर हिज विक्ट्री। सो यहाँ पे शायद रूबी को भी मारा जाएगा, और रूबी का किल शायद यहाँ पे हो सकता है सिक्योर, अनस्टॉपेबल मिल चुका है हायाबुसा को, लेकिन हायाबुसा को भी अपना किल देना पड़ेगा। टाइगरल आ चुके हैं, गेम ख़त्म करना पड़ेगा, और गेम ख़त्म होते के साथ RRQ जीत चुके हैं मैच। सो स्ट्रीमिंग इज ऑन माय चैनल, सो रिजल्ट्स अपलोड करेंगे, रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ चीज़ें भी देखेंगे, जैसे कि ई-स्पोर्ट एरेना क्या है, ये मैच क्या थी। सो कॉन्ग्रेट्स RRQ, ऑसम प्लेड बाय ऑसम, यू दिस वॉज रैंड बोला था क्या, रैंक बोला था। TSH ऑल्सो प्लेड वेल, बट जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सी इशू हो सकता है लेट गेम में, मैं लास्ट रैंक मैच से जो है पब्लिक ने रिपोर्ट कर दी, सब कुछ कर दिए। तो चलो आते हैं वेबसाइट की ओर। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई हम लोग रजिस्टर कैसे करें, हम लोग को ज्वाइन करना है, नेवर माइंड या ब्रो, दैट्स कॉल्ड द टीम स्पिरिट स्पोर्टमैनशिप। सो चलो स्केड्यूल। सो देखो गाइस, सब में पहले तो मैं अपना बता दूं, यहाँ पे मेरे कल ट्यूसडे ना, हाँ ट्यूसडे के लिए 200 भी, फिर उसके बाद वेडनेसडे का भी एक स्लॉट है, वैसे ही थर्सडे का भी एक स्लॉट, फ्राइडे का भी एक स्लॉट है, सैटरडे का तो स्लॉट्स आते नहीं है। तो गाइस जल्दी जल्दी जाके मेरे स्लॉट्स तो बुक कर लो पहले, ताकि नाइट मैचेस तुम लोग को मिल जाए, वरना फिर नाइट मैचेस बहुत कम होती हैं स्पोर्ट्स में। एक नाइट स्ट्रीमर अभी तक कोई इतना है नहीं हमारे पास। सो हैवी वेट में अभी भी लास्ट स्ट्रीम की तरह, ये स्ट्रीम में भी जो है 14 टीम्स ही है, जो कि OPS एक अकेली ऐसी टीम है जिसने 14 मैच खेली है और 14 मैच में 100% का विन रेट लेके चल रही है। सो ये हो गया हमारा ये पॉइंट्स कैलकुलेटर, यहाँ पे तुम अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो कि ना अगर हम जीतेंगे तो कितना मिलेगा, हारेंगे तो कितना कट होगा, सब कुछ A to Z कम्प्लीटली। खाली बस आपकी टीम के किल्स डालना है, सामने वाली टीम्स के किल डालना है, डेट्स इट। वर्ड डिक्स करके भी कुछ ऑप्शन है, वर्ड डिक्स क्या नया आया है। सो वर्ड डिक्स में जो है कोड, ई स्पोर्ट एरिना की कोड में जो भी फैसला लिया जाता है वो यहाँ पे छप के आता है, जो कि रिसेंट में एक SS गेमिंग का इशू हुआ था, मे बी TSH की टीम के साथ। सो SS गेमिंग को सस्पेंड किया गया है और फिर समथिंग 3 days के लिए, ओके। सो SS गेमिंग को सस्पेंड कर दिया गया है अभी के लिए, तो अभी तक कुछ फर्दर नोटिस इसमें बताई नहीं गई है, वो भी मालूम पड़े कि कुछ 1 week के लिए उसको सस्पेंड किया है SS गेमिंग को फ्रॉम स्ट्रीमिंग। सो
यहाँ पे वर्डिक्स में तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम लोगों ने जो केस किया था किसी के ऊपर भी, सो वो उसका रिजल्ट्स क्या आया है। सो चलो लॉग आउट करके जल्दी से आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। इस स्पोर्ट एरिना की वेबसाइट तुमको कोई भी ग्रुप या तो कहीं से भी मिल जाएगी। रजिस्टर पे क्लिक करो। क्या रजिस्टर करने का, पहले सब में पहले कभी भी रजिस्टर एज अ यूज़र करना, अपनी अपना पहले यूज़र अकाउंट बना के फिर उसके बाद जो है अगर टीम है तो टीम के लिए रजिस्टर कर दो। अगर एज अ यूट्यूबर जो कि अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूबर के लिए DM कर सकते हैं एडमिन्स को आप लोग। सो चलो एक लास्ट चीज़ है हमारी, तो चलते हैं ट्रेलर की ओर, ट्रेलर की तरफ चलते हैं। सो शील्ड मोड ऑन करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। सो गाइस EPL भी आ रहा है तो जल्दी जल्दी अपना नाम जो है लिखवा दो EPL के लिए। वन ऑफ बेस्ट गेमर्स जो है चुने जाएंगे EPL में, मतलब 36 प्लेयर्स जाएंगे। सो उसमें से कुछ कुछ प्लेयर्स जो है चुने जाएंगे, 36 प्लेयर कम्प्लीटली, मतलब जो है आपके गेम प्ले भी डिपेंड करता है कि ना आप लोग का गेम प्ले कैसा है क्या है। गेम प्ले अच्छा होगा कास्टर्स लोग देखेंगे, एक्सपर्ट्स लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स लोग जो है आपका गेम प्ले देखेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन होगा कि ये बंदे को EPL में लेना है क्या नहीं। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए तुम लोग आप लोग जो है किसी को भी, मतलब कोई भी एडमिन जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन ट्रेलर। शील्ड मोड ऑन है मेरा, शील्ड मोड ऑफ कर दूँ। जो है वापस से चलते हैं वेबसाइट की ओर। वेबसाइट में कम्प्लीटली नहीं बता पाया था मैं आपको कि वेबसाइट कैसी है क्या है। सो ये वेबसाइट है गाइस हमारी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है मेरी लास्ट वीडियो में जाके आप लोग चेक कर सकते हो, या तो मेरे को DM भी कर सकते हो, या तो कोई भी ग्रुप या तो किसी को भी DM कर सकते हो। सो लोग आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली। सो ये स्केड्यूल पेज बता दिए है हमने। सो अप्लाई में देखते हैं IQ टेस्ट, IQ एरेना की भी रैंक लिस्ट है हमारे पास। सो ये IQ एरेना है जो जिसमें फर्स्ट नंबर पे है बेल्ला, रियोल मैं भी हूँ यहाँ पे 35, मैं 13 नंबर पे हूँ, मैं खेलता नहीं एक्चुअली, टाइम नहीं उतना मेरे पास। सो ये दिस ऑल इज आर वेबसाइट। और EPL ऑक्शंस में जो है अभी भी चल रहा है, डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रहे हैं कि मतलब कौन सा प्लेयर कैसा कैसा चूज़ किया जाएगा, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कौन से प्लेयर्स को लेना है। कुछ प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, कुछ प्लेयर्स अभी भी पेंडिंग है। तो अपना बेस्ट हो गेम्स में, रैंक मैचेस खेलो ज़्यादा से ज़्यादा और सिलेक्ट हो EPL में, जिसमें आपका एक अलग ही टीम होगी, अलग ही मज़ा होगा जो उसमें। सो अमीगोस टूर्नामेंट कैंसिल हो चुकी है, वैलेंटाइंस बंद हो चुकी है, एरी कप आने वाला है बहुत जल्द, आएगा एरी कप भी आएगा। लो मैचेस का रिप्ले कहा है, मैच का रिप्ले, ओके ब्रो। सो मैच का रिप्ले जो है ये स्ट्रीम की स्टार्ट में मिल जाएगा, या तो आपको मतलब मैं स्ट्रीम ख़त्म करूँगा तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। सो मेरी मीट लेपचा, थैंक यू फॉर कमेंटिंग ब्रो, मैं आपका कमेंट लाइक भी कर देता हूँ। व्यू ग्रो हो रहा है, या ब्रो आप लोगों ने प्यार दिखाया इसके लिए व्यूज ग्रो हो रहे थे, ये गेम का है। सो कोइंसिडेंस होता रहता है।
शी इज़ नॉट माई जी एफ, गो आर आर क्यू के भी सपोर्टर्स अच्छे थे और RRQ ने जो है मतलब दिल जीत लिया है मैच जीत के, क्योंकि उनका जो है एंड में कम बैक बहुत ही अच्छा मारे है उन्होंने, सो तारीफ तो करनी पड़ेगी। TSH ने भी ऐसा नहीं बोलेगा कि TSH ने कुछ ख़राब खेले, लेकिन एज़ कम्पेयर RRQ ने जो कम बैक मारा वो ऑसम था, काबिल तारीफ था। ये रूल्स हैं, रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लिए मैचेस में इशू आते हैं, कास्टर्स के इशू आते हैं, सब कुछ इशू इससे लड़ने के लिए और अपना पॉइंट जो है सामने रखने के लिए, अगर आपसे कुछ वो अगर आपकी कुछ ऐसी गलती मालूम पड़े तो आपका पॉइंट सामने रखने के लिए आप मतलब वो रूल्स मतलब रेफर कर सकते हो, बेटर है आप लोगों के लिए, जो एक बार पढ़ लीजिए। सो यूज़र लॉगिन था, एज अ टीम लॉगिन चलो जाता हूँ मैं पहले और आपको बता दो कि टीम लॉगिन में क्या है, का है मैनेजर है LND। सो LND करके मेरी एक छोटी सी टीम हुआ करती थी जो कि अभी है नहीं, बट उसकी वेबसाइट अभी भी है। सो स्केड्यूल पेज स्केड्यूल करने तो आता है आप लोगों को, और हाँ मेरे से कोई पूछ ज़्यादा टीम चाहिए या कुछ चाहिए सो जस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ गाइस, ग्रुप में कंप्लीट तुम लोगों को ना मतलब सोलो बैच के बारे में डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सोलो बैच के पर्सनल ग्रुप में जो कि सोलो बैच का है, मैं आप लोगों को झलक भी दिखा देता हूँ सोलो बैच के ग्रुप की। तो ये हमारा जो है सोलो बैच का ग्रुप है जिसमें अभी ऑलमोस्ट वो मतलब प्लेयर्स तो ज्वाइन कर रहे हैं बट इतने नहीं है, सो आप लोग भी ज्वाइन करो जल्दी जल्दी सोलो बैचेस की, डेली बेसिस पे मैचेस भी कराए कि मज़ा आएगी। और ये जो है हमारा चैट ग्रुप जो कि अभी ये वाला ग्रुप एक्टिव है, सो ये ग्रुप की लिंक जो है ML1 की जो है लिंक बायो में है, सो फटफट वो ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो है बंदे लोग वहाँ से एडमिन्स को कांटेक्ट करके फटफट रजिस्ट्रेशन करवा दो, ताकि मतलब आगे कुछ टूर्नामेंट्स आने वाली है जिसके प्राइजेस भी है, जैसे कि अभी EMC आने वाला है ये संडे से, यही संडे से जो है EMC आने वाला है, जिसका देखो यहाँ पे है 1K प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, 1000 तक का प्राइस मिलेगा आप लोगों को, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं EMC में जो कि मतलब आप कोई भी एडमिन को कांटेक्ट करेंगे आपको कम्प्लीटली बता दी जाएगी पर्सनल में। EMC के बारे में डिटेल दूंगा बट मेरे पास भी कंप्लीट अभी तक डिटेल्स आई नहीं है, तो मैं अभी इसे दे नहीं मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकता कि कौन कैसा क्या है, बट वंस मेरी आएगी डिटेल मेरे पास वैसे आप लोगों को बता दूंगा। सो गाइस इट्स 11:56 ऑलरेडी, इट्स टाइम टू क्लोज, बाय, सी यू टुमारो, कल भी स्ट्रीम में दोनों फटफट आ जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो स्ट्रीम को और मचा दो चैनल को, फैला दो अपने दोस्त।